अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सुमन तारिक। ज़माने कदीम में किताबें इंसान की बहुत अच्छी दोस्त समझी जाती थीं, मगर अफसोस सोशल मीडिया के आते ही किताबें अलमारी की जीनत बनकर रह चुकी हैं और लाइब्रेरी तक महदूद हो चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं G11 की लाइब्रेरी में। आइए यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से बात करते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में स्टूडेंट्स का रुझान ज़्यादा किताबों की तरफ नहीं रहा, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? किताबों का यही तो जो है मैं जो है डिस्कस कर रहा हूँ कि जो है बेशक जो है मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है वो स्मार्ट जो है स्टडीज़ जो है उसके लिए जो है बेहतर ही है। आप जो है एक शॉर्ट जो है सोर्स है और जो है क्विक सोर्स है आपकी, लेकिन जो है फिर भी जो है अगर जो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है देखा जाए रिटेंशन मेमोरी जो है मोबाइल की और इनकी जो है कंपेयर टू बुक्स जो है बुक्स में जो है ज़्यादा रिटेन हो जाती है। ठीक है, अब जो है बुक्स को जो है अपनी जो है रुझान जो है किस तरह जो है मैं बनाऊँगा, जो है यहाँ पे जो है एक अच्छा सा इन्वायरमेंट होगा, यहाँ पे जो है फैसिलिटेशन होंगी, तो मैं आके यहाँ पे जो है ख़ुद को जो है वो तो कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को हम इस तरफ तब उनका रुझान कर सकते हैं जब यहाँ का माहौल अच्छा, माहौल अच्छा कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, वो एक तो इस वजह से भी कि मोबाइल चूँकि रेडिली एक्सेसिबल है, हर वक्त हाथ में होता है। अच्छा, दूसरा ये कि उसमें इलम के साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि सतही तौर पे वो लोगों को या ख़ास तौर पे यंग लोगों को बहुत दिलचस्पी का बायस लगती हैं, इसलिए उसी में खोए रहते हैं, तो लाइब्रेरी की तरफ तो चल के आना पड़ता है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि लाइब्रेरीज़ को एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प जगह जब तक हम नहीं बनाएंगे तो इसलिए मुतबादल के तौर पे शायद आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़े से मेरे ख्याल में कुछ और इसमें ज़राए जो है उनका इन्वेस्टमेंट करके तो लाइब्रेरीज़ का माहौल इस तरह से बनाया जाए। दूसरी ज़रूरी बात जो मैंने देखी है कि किताबों की अक्सरियत जो है उसमें बेशुमार ऐसे भी कंटेंट्स हैं, ऐसी किताबें भी हैं कि जो कि नौजवानों को अपील नहीं करती। सही। जी, तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल में कि जो लोग इस बात की ज़िम्मेदार हैं लाइब्रेरीज़ को बनाने के या उनको चलाने के, उनको कोई ऐसी कमेटी बना के तो इस बात पे करना चाहिए, इस बात पे तहकीक सर्वे भी कर लें बेशक कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि जवानों को या ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को अपील कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ऐसी जगह जो जिन पे उनकी तसल्ली तशफ़ी नहीं होगी तो वो मुतबादल की तरफ कैसे आएंगे। तक जो है तब्दीली जो है मैं महसूस कर रहा हूँ, थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड है, मैडम जो है कोशिश कर रही है इसको जो है मज़ीद जो है ऑर्गेनाइज़ करने की, लेकिन इसमें जो है चेयर्स वगैरह जो है इनकी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है फुकदान है। और आल अगर जो है साथ में जो है बना दिया जाए, इसमें जो है सिर्फ जो है आपके न्यूज़पेपर वगैरह वो बंदे जो बार बार जो है आपको जो है इरिटेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो है मैंने जो है रीडर्स जो है देखे हुए हैं सारे जो है CSS के ही बंदे हैं, तो बेहतर ये है कि न्यूज़पेपर के लिए जो है अलग सा जो है एक रूम हो, उसमें जो है आने जाने वाले हैं जो 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए आके जो है चले गए हैं, मतलब जो इन यहाँ पे जो है जितने मैंने जो देखे हुए हैं डॉक्टर आके जो है बैठ रहे हैं, वकील जो है मैंने देखे हुए हैं यहाँ पे, जो है मैंने CSS जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले जो है बंदे मैंने देखे हुए हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना।